चलिए दोस्तों ले चलते हैं उदयपुर की चीलवा टनल सुरंग का दृश्य आप देख पा रहे हैं। चीरवा टनल सुरंग का दृश्य और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ऐसे दृश्य मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये नदी नदी द्वारा में आपका स्वागत है शिकार जी की नदी। तो श्रीनाथ जी का ये देखिए विराज ग्रुप का पूरा अपार्टमेंट, पूरा विराज ग्रुप के डायरेक्टर का बंगला, मदन पालीवाल जी का सारा डिपार्टमेंट भी का है। दोस्तों चलिए विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा, यहाँ से हाईवे से 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देने वाली यह विशाल शिव की बैठी हुई मुद्रा में पूरी मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, कितनी खूबसूरत है। शिव की प्रतिमा अभी यहाँ से दिखाई दे रही है, फिर आगे से भी दिखाएंगे। सबसे ऊंची शिव की मूर्ति है और ये है नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी में विराज गुरु। चलिए दोस्तों श्रीनाथ जी की नगरी में आपका स्वागत अभिनंदन है। देखिए डबल रोड बनने के बाद कितना जबरदस्त विकास जो हुआ है। तो हम लोग निकले नगर पालिका नाथद्वारा से बोलते हुए सुंदर शहर के दीदार भी करेंगे। तो रात को यहाँ पर ट्रक वाले आते हैं, रात को नींद में रहते हैं, तो इसीलिए बड़े बड़े यहाँ पे जंप लगाए गए हैं। और ये सीधा आप देख सकते हैं कि रात को जब ट्रक होती है और नींद में होते हैं ड्राइवर, तो सीधा पार करके 40 फीट नीचे जा गिरते हैं। इसीलिए जगह जगह ये बैरियर बनाए गए ताकि नींद में हो तो नींद उग जाए सर।
कोठियारा रोड, ये है राजसमंद देवनगरी का दृश्य। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं राजसमंद और राजसमंद के पुलिया के ऊपर होके नौ चौकी के रोड से होते हुए गुजरेंगे। हमको जाना है सदर बाजार। राजसमंद वासी इस ऊपरी रोड को, ऊपर वाली पुलिया को चीन की दीवार कहते हैं। बहुत ठंडी है, करीब करीब दो से ढाई किलोमीटर लंबी है। कुछ लोग इसे संतुष्ट भी है, कुछ लोग इसे नाराज भी हैं, क्योंकि इस तरफ गाड़ी नहीं चलती शहर में, पुलिया इधर से बाधक है। लेकिन दोस्तों राजसमंद आओ और आप अगर पकौड़ी का आनंद ही लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये राजसमंद जब भी गुजरे हैं, पहाड़ पे लिखा हुआ है, उससे टर्न लें आप राइट और यहाँ आपको मिलेगा लजीज पकौड़े और खमन की छोले आपको मिलेगी। यू टर्न लेना है, यू टर्न लेने के बाद आपको छोटे रोड से जाना है।
महज 300 मीटर पर आपको एक से बढ़कर एक लजीज पकौड़े, खमन, पूरी, सब्जी जो चाहिए वो मिलेगा। बहुत ही शानदार यहाँ चौराहे पे पहुँचने के बाद आपको ये रही सामने, बिल्कुल मंडी के पास में आप यहाँ खाने पीने का पूरा आनंद ले सकते हैं। आप रसगुल्ला, तो राजसमंद की ये सुप्रसिद्ध नौ चौकी झील का दर्शन देख रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे छलांग लगा देते हैं। बड़ी उठी कूदियो तो उठी उठने कूदियो कटने कूदियो उठने। देखो छलांग मार, मच्छी से भी ज्यादा तेज छलांग लगाता है। तो देखिए कैसे बचपन से ही अनुभव है इनको कूदने का, और फिर धीरे धीरे ये बढ़िया तैरने वाले बन जाते हैं। लाई जा पर चल। तो ये राजसमंद की झील है, और राजसमंद की ये देखिए जो लगे हुए इसमें इतिहास जो है संस्कृत भाषा में है। बहुत ही खूबसूरत झील। चलिए श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से गुजरते हुए, पहले आते हुए दृश्य देखे, अब वापस गुजरते जाते हुए शिव की प्रतिमा सामने दिखाई दे रही है आपको। इधर नाथू द्वारा का ये सबसे बड़ा लोगो तो ये है नाथू द्वारा, श्रीनाथ जी की नगरी। नाथूवास से निकल रहे हैं हम, और यहाँ देखिए विराज के बड़े बड़े आपको मॉल्स, अपार्टमेंट्स सब मिलेंगे। धरती शाम का सायकाल का दृश्य, शिव की प्रतिमा ये रही।
से शिव की प्रतिमा साथ साथ चल रही हूँ। विशाल शिव की प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा। दस किलोमीटर दूर से भी इसको देखा जा सकता है, इतनी विशाल। अरावली पहाड़ियाँ दिखे आप, जयपुर का ये अरावली पहाड़ियाँ, जयपुर टू राजस्थान। चलिए चलते हैं सुरंग के अंदर, तो चैनल के साथ बने रहे। सुरंग आने वाली है।